गायत्री जी हैं अगली कॉलर हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है गायत्री जी का। हाँ, आज मेरा प्रश्न, 5-6 प्रश्न है। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बहन है वो 55 साल की। जी 55 साल उनका उम्र है, तो उनका जो दांत है ना, तो मतलब सब जो दांत मतलब आधा आधा होता चला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। मतलब दांत सब मतलब पतले एकदम होते जा रहे हैं। ठीक है। और जैतून का सिरका जो है अपने पिताजी के लिए मंगाया था, तो 20 दिन तो पिए, और उसको जो है उनको पीते मतलब पीते हैं ना, तो उनको मतलब कि जुलाब होने लगता है, मतलब टट्टी बढ़ जाती है। क्या होता है? एक बार पीते मतलब कि ज्यादा मतलब लैटरिंग होने लगता है। ठीक है ठीक है। तबीयत जिस चीज के लिए लिया, किस चीज के लिए लिया उन्होंने? मतलब ये मतलब कि वैसे ही पीने के लिए, उनके रोग नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छा। जैसे हाँ ठीक है ठीक। और मैं भी पीती हूँ, मेरी उम्र 42 साल है, मुझे भी ऐसा होने लगता है। और सिरका मैंने मंगाया है आपके यहाँ कंपनी से, और जी हाँ, और जो है कि और मेरा जो है कि वो बंद कर देते हैं। बोलिए बोलिए। हेलो हाँ, और ये जो है गौन मोरिंगा जो है, ये 3-4 दिन हो गया मैंने आपसे पूछा था एक लड़के के लिए, तो उसकी उम्र मैंने 16 साल बताया था, लेकिन उसकी उम्र रिश्तेदार हैं उनका 19 साल है, तो लड़का 5 फीट 3 इंच है, तो वो और लंबाई बढ़ाना चाहती हैं, तो बोले कि हकीम साहब से पूछो कि क्या वो बच्चे के जैसे क्या मूछे और दाढ़ी आ जाती हैं, तो क्या लंबाई बढ़ती है? बढ़ती है बढ़ती है। हाँ, तो यही प्रश्न है। और एक लड़का मेरा भी है, वो 18 साल का हो गया है, वो भी गौन मोरिंगा पी रहा है, लेकिन 2-3 इंच बढ़ा है पीने से। हाँ, दो तीन इंच बढ़ गया तो बहुत हो गया। हाँ, दो और तीन मैंने इंच बताया अगर... कि वो मेरा लड़का जैसे लंबाई में मतलब 5 फीट 7-8 इंच है, तो मैंने बताया उनको, तो बोले कि हकीम साहब से विस्तार से माने पूछिएगा कि क्या वो लंबा लड़का हो सकता है, तो मैंने कहा कि ठीक है। और मेरे बहन के लिए तो जरूर बताइएगा, दांत उनका तो एकदम मतलब कि छोटा छोटा होता जा रहा है, 55 साल उनका उम्र है। ठीक। तो हकीम साहब, आपकी दवा जो गौन सिया है अपने पिताजी के लिए ली थी, तो वो तो एकदम ठीक हो गए, मतलब उनको जनाब कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो इतना नस शांति थी, और कुर्सी वाला संडास अब अभी तक यूज करते हैं। और एक मेरी बहन थी, 32 साल उम्र है मतलब उनका, वो उनको मतलब हाथ में इतना झनझनाहट होती थी कि सामान कोई पकड़ती थी गिर जाता था, और आपने बिना दवा के वो ठीक हो गई, मतलब ये कंधे पर जो ये एक्सरसाइज बताते हैं ना, तो हाँ वो एकदम ठीक हो गई। अब उन लोगों को अब वो बोली कि ये मेरी बहन और है, तो बोली कि मेरे लिए भी उनसे दवा पूछो, जबकि उनके घर डॉक्टर हैं तब भी। और अच्छा। एक उनकी बहू है, हाँ एक उनकी बहू है, उनको छाले मतलब मुंह में बहुत पड़ते हैं, उसकी उम्र है 30 साल, ठीक मेरी बहन की बहू है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जिन घरों में डॉक्टर मौजूद हैं आप उन लोगों का इलाज कर दिए, ये आपकी सलाहियत की बात है, आपकी विशेषता है ये। और देखिए, सबसे पहले आपने पिताजी को फ़ायदा पहुंचाया और वो पूरे ठीक हो गए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और फिर आपकी बहन के हाथ में जो झुनझुनी थी, वो एक्सरसाइज से अच्छी करवा दी आपने, जो मैंने एक्सरसाइज बताई। बस मैं ये चाहता हूँ आप जुड़े रहें और ये फ़ायदा ऐसे ही पहुँचाते रहें,
हालांकि आपसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद ही लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें भगवान फ़ायदा दे, तो उन नुस्खों को एकदम विस्तार से फैला दीजिए ताकि लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। अब सवाल बताइए। बहन है 55 साल की, दांत को लेके सवाल है, छोटे छोटे हो रहे हैं दांत अब उनके। हाँ देखिए, कैल्शियम का अहतमाम करना है, एक हफ्ते में दो बार कैल्शियम की गोलियां इन्हें खिलाया करें, एक हफ्ते में दो बार ज़रूर दिया करें। जो लोग भी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उन्हें हफ्ते में एक बार या दो बार कैल्शियम की गोली ज़रूर खानी चाहिए ताकि दांत सलामत रह सके, नहीं तो वो छोटे होते जाते हैं, गिरते जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर रोगी नहीं भी हैं तब भी कम से कम एक टेबलेट कैल्शियम की खानी चाहिए, या फिर चूना जो पान वाला पनवाड़ी पान पे लगाता है ना, वो चूना एक चावल के बराबर एक गिलास दूध में मिलाकर एक हफ्ते में एक बार पी लिया करें। आपकी बहन के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा सवाल बताएं। इनके जो जीजा जी हैं और गायत्री जी खुद जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मोशन हो रहे हैं। हाँ, उसकी काफ़ी ताकतवर होता है, दुनिया का सबसे तेज सिरका है, किसी किसी को ऐसा होता है। तो जितनी खुराक आप ले रहे हैं उससे आधी कर लीजिए, दो बार ले रहे हैं तो एक बार कर लीजिए, दो चम्मच ले रहे हैं तो एक चम्मच कर लीजिए, आप स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं जी। बहन की बहू हैं जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, 30 साल की हैं। धनिया का पाउडर 100 ग्राम और बड़ी इलायची 10 ग्राम और छोटी इलायची का दाना 5 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं, एक चम्मच खाएं, और नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से रोज़ाना एक बार खा लिया करें, बहू का भी अच्छा होना मुमकिन है। और एक सवाल का जवाब ऐसे हकीम साहब आपने दे दिया था, विस्तार से जानना चाह रहे थे। इनके रिलेटिव 19 साल का बच्चा है, दाढ़ी मूछें आ रही हैं, हाइट बढ़ सकती है, गॉन मोरिंगा से। देखिए, बच्चों में नर और मादा, लड़कियों में तो 16-18 साल तक हाइट बढ़ती है जहाँ तक हमारा अनुभव है, और नर बच्चे यानी लड़कों में 18 से 20-22 साल तक भी गुंजाइश होती है। आप कोशिश कर लीजिए। देखिए, आपका बच्चा 3 इंच बढ़ा है और आप उनको मशवरा दीजिए कि आप कोशिश ज़रूर करें, 1 ग्राम रोज़ाना खाएं, पानी दूध या नारियल पानी से, और ये बहुत बड़ा मामला होता है। 3 इंच हाइट मतलब इतना लंबा आदमी हो जाता है। मैं नहीं हो सकता क्योंकि मेरी उम्र नहीं है अब ग्रोथ की, उनकी उम्र है, फ़ायदा भगवान करता है, मेरा इसमें कोई वो नहीं, गुंजाइश तो है। तो अगर मेरी कोई 3 इंच हाइट बढ़ा दे तो मैं उसे कम से कम 3-4 लाख रुपए दूं 3 इंच हाइट बढ़ने का, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। बच्चों में गुंजाइश है, बच्चों को दिया करें अगर आप उन्हें लंबा चौड़ा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर है कटनी से अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है अनीता जी। सर, 1 महीने बाद कॉल लगा है, बहुत ट्राई किया, बहुत परेशान रहे, पहले बात हो जाती थी, अब 1 महीने बाद ट्राई कर चल रहा है 1 महीने से सर, आज फोन लगा है जाकर। सर हमारे 3 सवाल हैं, हम और जैसी बात नहीं कर पाते सर आपसे, लेकिन हमारा अगर आप उत्तर देते रहे तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे सर। जरूर जरूर, हम सबका अच्छा जवाब देते हैं, आप कैसी भी जवाब नहीं, नहीं नहीं सर, हाँ अच्छा तो देते हैं सर, तभी तो आपको इतना मानते हैं सर। अभी हमारी टीवी खराब हो गई थी सर, हमने दूसरे दिन से धुलवा ली और मन नहीं लग रहा था, मेरा प्रोग्राम नहीं देख पा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे खाना ही नहीं खाया हो। जी जी, इतनी हैबिट हो गई है आपकी, क्या बताए सर। और आपकी दवाई से बहुत फायदा मिल रहा सर, 4 जन को हमने दवाई बताई, 4 जन को बहुत फायदा है सर, आपने तरफ से भी हम दवाई दे देते हैं सर उन लोग को। सर हमारे 3 सवाल हैं आपसे। जी जी बताइए।
जी सर, हमारे जीजा जी है उनको जैतून का सिरका से फायदा तो है सर, शरीर हल्का हो गया है, लेकिन उनके पेट में 24 घंटे गैस बनी रहती सर, बहुत परेशान रहते और खाना आना भी नहीं खा पाते सर, वो कहते रहते कि हमारे मतलब पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है। एक दिन तो सर हार्ट आर्ट में भी दर्द हो गया तो सर उनको गैस की वजह से बड़ी मुश्किल से ठीक हो गया सर। एक तो ये सवाल है सर, हमारे खुद की उम्र है 48 सर, तो हमारे बाएं पैर में सर बहुत खुजली हो रही है, जहाँ पायल फैलते है ना उसके ऊपर से 15 दिन से इतनी खुजली हो रही है, लाल लाल निशान पड़ गए और छोटी वाली उंगली में। हेलो सर, ठीक है मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप छोटी वाली उंगली में हरा हरा सर निशान हो रहा सर, छोटी वाली उंगली में, और उसमें खुजली भी होती, कभी कभी पानी आ जाता, लेकिन सर अब 10-15 दिन हमने ट्यूब लगाई थी, उससे पानी तो नहीं आ रहा सर, लेकिन हरा हरा निशान पड़ गया सर। और तीसरा सवाल, हमारी बच्ची है ना सर, तो उसके ये घुटनों के नीचे जो मांस होता है ना, तुडलियों का अंदर बस दर्द होता सर, बाहर कुछ नहीं होता, बाहर अच्छी है। उम्र कितनी है बच्ची की? बच्ची की उम्र 30 साल है सर। 30 साल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। हाँ देखिए, जो जीजाजी है उनको एसिडिटी की दवा एलोपैथ भी दिला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और जो सिरका पी रहे हैं उस जितना पीते हैं उससे आधा पिए और एक चम्मच धनिए के पाउडर के साथ ले पानी में मिला के, तो उनको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। और कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी दवा की फौरी तौर पर, तो आप डॉक्टर की दवा भी इसके साथ में ले सकते हैं, मेरी तरफ से इनकार नहीं है। तो ये तो जीजा जी का सवाल हुआ। और बच्ची को आप गौंद सिया एक खुराक दिया नाश्ते के बाद आधा ग्राम, और आधा ग्राम शाम को। कम उम्र बच्चियां बहुत जल्दी अच्छी होती हैं, जब फायदा हो जाए जब उन्हें रोक देना। और क्या पैरों में इनके खुजली है, निशान हो रहे हैं। हाँ देखिए, खबरदार हो जाइए और गौंद चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना खाएं, बस एक बार, बहुत तेज़ होता है, और एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से 24 घंटे में एक खुराक खा लिया करें। अगर आप हफ्ता दो हफ्ता ही लेंगे तो आपकी ये परेशानी जो उंगली में और पानी आ जाता है और ये हो जाता है, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। पंजाब से हैं शांति देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, मैं रामा मंडी से बोल रही हूँ, पंजाब से। एक सिया गूंद मंगाई थी 100 ग्राम, ठीक है। एक अपना जेडे पीके कैप्सूल है मोटापे दे, दो चीजा मैं खा रही हूँ। एक उन्होंने दसा थी मैंने सिरका जैतून का, एक मैं 2 चमच ओले ले रही हूँ सुबह शाम। बड़े मेरे ना शरीर जिम्मे जिस तरह दवाई ले जानी, एक तो मैं मतलब कब्जी बहुत ही ज्यादा, जिम्मे 3-3, 4-4 दिन मैं मतलब लैटरिन नहीं आती गई। एक मेरे जिस तरह भी दर्द मेरे अगे नो भी जिम्मे दर्द का घट है, जोड़ा च दर्द हों की जो मेरे दर्द का नहीं हों। वैसे मैं ना वीकनेस बहुत हुई पी है जी। कितने दिन से ले रहे ये दवा आप? ये दवाई हो गई जी 20 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए जी लेंदी मैनू। अच्छा, कुछ फायदा शुरू होता है? नहीं, जिस तरह मेरे अगे ना दर्द घट गया, मतलब पैरों से सोज घट गई, गोड्डों से सोज नहीं हैगी हुण। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, जितने दिन से आप ले रहे हैं उतना फ़ायदा, उससे ज़्यादा ही फ़ायदा है, ये रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा करता है। और ये दवाएं आप लेते रहें, बहुत जल्दी ना करें, 2-3 महीने शायद आपको लेनी पड़ेंगी। और कब्ज़ अगर नहीं टूट रहा है तो कोई बादाम का तेल 2-3 चम्मच, 1 कप दूध गर्म में मिला के रोज़ाना एक बार पिया करें।